फिल्म ए दिल है मुश्किल की मुश्किलें अब खत्म होती नजर आ रही हैं। जी हां, एमएनएस ने करण जौहर का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। पार्टी अब इस फिल्म का विरोध नहीं करेगी। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी के कारण एमएनएस इस फिल्म का विरोध कर रही थी। फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने मुख्यमंत्री फडणवीस और राज ठाकरे को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में पाकिस्तानी कलाकारों को फिल्म में रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही फिल्म की शुरुआत में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सेना के फंड के लिए आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव भी निर्माता करण जौहर ने दिया है। 28 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। फिल्म को लेकर आज निर्माता करण जौहर, मुकेश भट्ट, आदित्य रॉय कपूर के अलावा एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान फिल्म रिलीज करने के मुद्दे पर सहमति बन गई है। सालों का रिश्ता दोनों के दरमियान इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकती है तुम?